हे गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी। और ये पार्ट 7 है हमारा। 6 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। राइट, चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक और चीज़ मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, जो है आपको संडे या सैटरडे जो है कोशिश करूँगा, एक इंस्पायरिंग जो स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। क्योंकि देखिए, ये जर्नी थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो एक साल में दो साल में निकाल लेते हैं, लेकिन काफ़ी बार जो है टाइम लग जाता है। तो हमें कैसे अपना जो इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, तो उसको बचा के रखना है। और जो है उसको कोशिश करनी है कि उसमें हम कभी भी ऐसा ना लगे कि मेरे के अंदर अभी डेडिकेशन की कुछ कमी आ गई है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, देखिए, एक तो आपका मेन गोल होता है कि जो आपको अचीव करना है, राइट। उसके साथ साथ जो है उस गोल का तो आपको रहेगा मोटिवेशन, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी स्टोरीज आप पढ़ेंगे कि इन इन लोगों ने कैसे अचीव किया, क्या स्ट्रगल आई इनकी लाइफ में। तो वो सब चीज़ें हम देखते रहेंगे, तो हम जो है डिमोटिवेट नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, काफ़ी बार डिमोटिवेट हो जाते हैं हम, 3-4 दिन 5 दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं। और देखिए, 5 दिन पढ़ाई छोड़ने का मतलब है कि आप दोबारा आना, वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसा है कि कभी हो सकता है एक दिन जो है आप पढ़ाई छूट जाए, तो उस दिन जो है आप मोटिवेशन की स्टोरीज देख लीजिए, ताकि आपको जो है बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि सिर्फ मैं ही अकेला हूँ, मुझे ही इतना टाइम लग रहा है। सबको टाइम लग जाता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज्यादा। कोई अपना एम 12th क्लास से 11th क्लास से बना लेता है, कोई जो है ग्रेजुएशन के बाद बनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखिए, हम ये विवेक चौहान है, अभी ये IRS है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है। और इनका जो है 300 रैंक आई थी 2015 के अंदर। तो इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी हम देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं, 5-7 मिनट में ही। और एक्चुअली पहले स्टार्ट में इनसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ठीक है। ये मेरे रूममेट भी रहे हैं और मेरे साथ इन्होंने प्रिपरेशन की है, तो इनकी स्टोरी मैं आपको काफी अच्छे से बता सकता हूँ। वैसे इन्होंने काफी जगह भी बताई अपनी स्टोरी, तो उसके साथ साथ मैं कुछ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता सकता हूँ, कैसे जो है इनकी स्ट्रगल हुई और कैसे इन्होंने जो है पूरी स्ट्रगल के साथ निकलते हुए लास्ट अटेम्प्ट में जो है सक्सेस इन्होंने अचीव की, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये थोड़ा सा एक मोटिवेशन स्टोरी भी बताएंगे। और ये जो है देखिए, ये अनुराग वाधवा, ये भी इवन UPSC में सिलेक्टेड है, और ये भी जो है लास्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो इनकी स्टोरी भी हम पढ़ेंगे, इनकी स्टोरी भी समझेंगे, कैसे जो है दोनों जो है डिफरेंट तरीके की स्टोरी थी। तो ये नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले NCERT डिस्कस कर लेते हैं। 150 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 151 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, 151 से 175 तक, और फिर लास्ट पार्ट होगा हमारा पार्ट 8, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आंसर है इसका असम, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ अब मैप के अंदर आपको, ये देखिए। देखिए बोलते हैं मानस जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग मिला हुआ है इसको, और असम के अंदर लोकेटेड है। ये बोलते हैं नेम ऑफ द पार्क इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रिवर मानस, मानस रिवर है उसी से इसका नाम पड़ा है, विच इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की ये ट्रिब्यूटरी है। और ये बोलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क इज ऑल्सो सिचुएटेड इन असम। ये देखिए, ये यहाँ पे मानस दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा मानस। और देखिए, और भी देख सकते हैं, राजा जी नेशनल पार्क हो गया, जिम कॉर्बेट, सुल्तानपुर, सरिस्का, रणथंबोर, गिर, नाम से ही जो है आपको याद आना चाहिए, पेंच, काना, ठीक है, बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क, ये रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, चिलिका लेक कहाँ पे है, सुंदरबन, नागर होल, ठीक है, मुद्दुमलाई। तो ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल बोलते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए किस स्टेट में किस लिए फेमस है। तो हम एनवायरनमेंट के पार्ट के अंदर इनको भी स्पेशली डिस्कस करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 152 ने देखे, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज द वर्ल्ड ग्रासलैंड इज डिवाइडेड। देखिए, ग्रासलैंड वर्ल्ड की कौन सी कैटेगरी में डिवाइडेड है, 4 ऑप्शन दिए हुए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट, एवरग्रीन और डेसिडुअस। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जो ग्रासलैंड है वो दो ही तरीके की है, ठीक है, एक तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। एवरग्रीन देखिए फॉरेस्ट होता है, ठीक है, ग्रासलैंड नहीं होती, और डेसिडुअस भी फॉरेस्ट होता है आपका। तो आंसर इसका होगा 1 और 2, आंसर ए होगा इसका, राइट। ये देखिए, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये प्रेरीज है यहाँ पे, और ये आपको अलग अलग जो है स्टेपीज होगी, अलग अलग जो लोकेशन में आपको ये मिलेगी, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसको वेल्ड लिखते हैं, लेकिन ये फेल्ट होता है, ठीक है, लिखते VELD, लेकिन इसको बोलते हैं फेल्ट। और ये देखिए, ये डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इसको हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैपिंग का पार्ट था हमारा, तो मैपिंग का पार्ट देख लीजिए आप, उससे आपको जो है पूरा पता चल जाएगा। ये आपकी जो है ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है लोकेशन पे है, तो इसको भी जो है आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो ये बोलते हैं ग्रासलैंड मेकअप ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द टोटल ऑफ द लैंड सरफेस, एक
1/4 जो है ग्रासलैंड ही मिलेगी आपको पूरा, अगर वर्ल्ड का मैप देखेंगे आप लैंड सरफेस का। और ये बोलते हैं एज क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड, क्लाइमेट का रोल तो रहता ही रहता है। इट इज जनरली यूज एज द बेसिस टू डिवाइड द वर्ल्ड ग्रासलैंड इंटू टू रीजन, टू कैटेगरीज, ठीक है। टेम्परेट रीजन में टेम्परेट ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है, नाम से ही जो है डिफाइन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 153 है, ये बोलते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको कंसिडर करनी है। और इसमें बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका इज कॉल्ड प्रेरीज, ठीक है, और टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड वेल्ड्स। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका की उसको वेल्ड वेल्ड नहीं फेल्ट बोलते हैं, मैं वेल्ड ही बोलूंगा क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है, लेकिन बोलते हैं वेल्ड को फेल्ट बोला जाता है, ठीक है, लगा लीजिए ऐसे फेल्ट, लेकिन लिखते हैं वेल्ड है, तो हम वेल्ड ही प्रोनाउंस करेंगे ताकि जो है समझने में आसानी रहे। और नॉर्थ अमेरिका की जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसका नाम है प्रेरीज, तो आंसर इसका होगा नीदर वन नॉर टू, ठीक है। ये देखिए ये जो वेल्ड है इसके बारे में अभी हम प्रॉपर पढ़ेंगे, बोलते वेल्डिंग वेल्ड आर रोलिंग प्लेट्यू विद वेरिंग हाइट्स, ठीक है, 600 से 1100 मीटर तक की हाइट है। और ड्रैंकनबर्ग्स माउंटेन भी यहाँ पे है, साउथ अफ्रीका के अंदर मिलती है वेल्ड, और भी कंट्रीज है आसपास के, ठीक है, उनमें भी वेल्ड आपको मिलती है। और प्रेरीज देखिए ये प्रेरीज बोलते हैं इट इज अ रीजन ऑफ फ्लैट जनरली स्लोपिंग एंड हिली लैंड, ठीक है, जो आपका रॉकीज माउंटेन है, ठीक है, रॉकीज माउंटेन के इधर जब ये चिनुक जो जो विंड्स आती है तो उसके बाद ये चिनुक विंड्स यहाँ जाती है, तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड मिलता है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 ये बोलते हैं प्रेरीज आर टोटली ट्रीलेस, सेकंड है टॉल ग्रासेस अप टू 2 मीटर हाई एंड ग्रो हाई ग्रो हेयर, ठीक है, प्रेरीज की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जो ट्रीज है यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता, ट्रीज बिल्कुल नहीं होती, थोड़ी बहुत तो ट्रीज ही रहती है, ऑलमोस्ट जो है ट्रीलेस है, लेकिन फिर भी आसपास में जो है लो लाइंग एरिया में कुछ कुछ जो है वुडलैंड का जो पार्ट है वो मिल जाता है, ठीक है, वुड्स मिल जाती है या ट्रीज जो है मिल जाता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ये है ट्रीलेस ही है। ये आपकी देखिए प्रेरीज है, ये स्टेपी है, ठीक है, इसको वेल्ड यानी कि फेल्ट बोलते हैं, ये साउथ अफ्रीका, और ये पंपाज है, और यहाँ पे देखेंगे डाउन्स, ठीक है। ये बोलते हैं वेयर वाटर इज अवेलेबल ट्री सच एज विलोज मिलते हैं यहाँ, एल्डर्स, ठीक है, पॉपुलर्स मिलते हैं यहाँ पे आसपास जो है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा बोलते हैं टॉल ग्रासेस अप टू 2 मीटर हाई, देखिए 2 मीटर जो है ऊंची जो है ये एक तरह से घास जो होती है, और इसको एक्चुअली बोलते हैं सी ऑफ ग्रास, ठीक है, सी ऑफ ग्रास भी इसको बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव प्रेरीज, प्रेरीज कहाँ कहाँ पे है, देखिए मैंने अभी आपको दिखाया प्रेरीज का मैप, ये देखिए, तो प्रेरीज जो है मोस्टली जो आपको मिलेगी ये अमेरिका, सॉरी जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और कनाडा, ठीक है, दो ही स्टेट में जो है ये दिखाई जो है मिलती है, तो आंसर इसका यूएस होगा, मैक्सिको नहीं है, कनाडा होगा, ठीक है, रशिया भी बिल्कुल नहीं है, तो आंसर इसका होगा 13, तो आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 है, ये देखिए थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको, ये बोलते हैं प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन, ये अगर यूएस का मैप है सपोज कीजिए, तो यहाँ पे रॉकीज मिलेगा आपको, ठीक है, और वेस्ट में जो है आपको वेस्ट में रॉकीज मिल गया, और जो ग्रेट ईस्ट में जो है यहाँ पे जो है आपको ईस्ट ये बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट लेक्स, तो यहाँ पे जो है प्रेरीज ग्रासलैंड मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 ये बोलते हैं प्रेरीज इन द यूएस आर ड्रेन्ड बाय रिवर कोलोरेडो, कोलोरेडो रिवर को जो है यहाँ ड्रेन करती है इस एरिया में। सेकंड है कैनेडियन प्रेरीज आर ड्रेन्ड बाय ट्रिब्यूटरीज ऑफ सस्ता केचुआन रिवर, ठीक है, सस्ता केचुआन रिवर जो है अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है इसकी, बस आपको समझने की जरूरत है। तो दो स्टेटमेंट है, देखिए स्टेटमेंट वन जो है वो गलत है, उसका रीजन है कि देखिए इस एरिया में कौन सी रिवर है, ये आपको मिलेगी मिसिसिपी रिवर, ठीक है, मिसिसिपी रिवर और मिजूरी रिवर जो यहाँ से जो है जाती है, ठीक है, और वो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सस्ता केचुआन जो रिवर है वही ड्रेन करती है कैनेडियन प्रेरीज को, ठीक है। चलिए तो ये पता होना चाहिए आपको कहाँ पे, ये देखिए मिसिसिपी रिवर, ये मैं आपको मैपिंग करा चुका हूँ, ठीक है, तो मैपिंग का पार्ट आप देख लीजिए, अगर नहीं देखा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और पक्का वहां से क्वेश्चन मिलने के ही चांस है आपको। क्वेश्चन नंबर 157 है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब वर फाउंड इन प्रेरीज, प्रेरी के अंदर कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं, ब्लैकफुट इंडियंस, क्रो या एस्किमोज, तो एस्किमोज तो देखिए प्रेरीज के अंदर नहीं मिलेगा, स्टेटमेंट तीन तो जो है गलत ही है, तो आंसर इसका हो जाता है ए, ठीक है, एस्किमोज आपको मिलेंगे कनाडा और उसकी साइड जो बिल्कुल कोल्ड एरिया होता है, राइट। ये बोलते हैं ग्रासलैंड ऑफ प्रेरीज वाज होम ऑफ अमेरिकन इंडियंस मोस्ट पॉपुलरली नोन एज ब्लैकफुट इंडियंस, ठीक है, ब्लैकफुट इंडियंस यहाँ पे बोला जाता है। ये बोलते हैं प्रेरीज वर ऑल्सो होम ऑफ अदर ट्राइब्स, और ट्राइब्स कौन सी है, अपैचे, क्रोव, क्री, ठीक है, पोनी, ये जो है ट्राइब्स याद रखिए, अगर याद कर सकते हैं तो,
लेकिन ब्लैक फुट इंडियंस जरूर याद करिए। इसके अलावा बोलते हैं एस्किमोज ट्रेडिशनली इनहेबिटेड द नॉर्थ सरकम पोलर रीजन फ्रॉम ईस्टर्न साइबेरिया टू अक्रॉस अलास्का कनाडा ग्रीनलैंड, जो बिल्कुल ठंडा एरिया वहां पे जो है एस्किमोज आपको दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 ये बोलते हैं प्रेरीज द क्लाइमेट इज ए कॉन्टिनेंटल टाइप, ठीक है, और ये बोलते हैं लोकल विंड चिनुक ब्लोज हेयर, ठीक है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट है। चिनुक रिवर के बारे में अभी हम देखेंगे प्रॉपर डिटेल में। तो यहाँ पे जो है देखिए प्रेरीज का कितने क्वेश्चन है, प्रेरीज के बारे में सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। बिल्कुल जो है इसका क्वेश्चन, जो कि प्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है और क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं इससे। अगर यूपीएससी के अंदर, अगर सिविल सर्विस में नहीं पूछेंगे तो असिस्टेंट कमांडेंट में पूछ लेंगे, सीडीएस में पूछ लेंगे, कहीं ना कहीं तो पूछ ही लेते हैं इन क्वेश्चंस को। ये बोलते हैं देखिए बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट द क्लाइमेट ऑफ क्लाइमेट इज कॉन्टिनेंटल टाइप है यहाँ पे, जिसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है, समर बहुत वार्म होता है, ठीक है, 20 डिग्री के आसपास, और विंटर जो -20 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। एनुअल रेनफॉल जो है मॉडरेट होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, कम भी नहीं होती, जो कि घास के लिए जो आइडियल है इतनी जो आपकी रेनफॉल है। और ये बोलते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ बैरियर, ठीक है, नॉर्थ और साउथ बैरियर कुछ ऐसा है नहीं, इस वजह से जो जो विंड्स है लोकल विंड्स चिनुक यहाँ पे चलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159 ये बोलते हैं चिनुक इज ए कोल्ड विंड, ये बोलते हैं सेकंड इट ब्लोज इन द विंड इन द विंटर इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। देखिए चिनुक जो है कोल्ड विंड नहीं है, ये हॉट विंड है, ठीक है, कैसे देखिए बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से जब ये आपका रॉकीज माउंटेन है, ठीक है, रॉकीज माउंटेन है ये, रॉकीज माउंटेन, यहाँ से जब कोई भी जो हवा चलती है वो यहाँ पे आपको पता है कि पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन से जो है हवा जो है वो एक तरह से पानी का जो है भाप, पानी का ये समझ सकते हैं, पानी को लेके चलेगी, जो ऊपर जाएगी फिर बादल बनेगी, बादल बनेगी तो यहाँ पे बारिश कर देगी। लेकिन जब ये दूसरी साइड गिरती है, देखिए ये हमारे वेस्टर्न घाट पे भी होता है, ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र और ये वाला रीजन मिलेगा आपको, जैसे इंडिया ये है तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में भी ऐसे होता है, जो ये एरिया इधर जो है बारिश खूब होती है, लेकिन दूसरा साइड जो है ये रेन शेडो एरिया होता है, तो यहाँ जो एयर आएगी वो जो वेट नहीं होती, वो जो है होती है हॉट, ठीक है, उसमें जो मॉइस्चर भी खत्म हो जाता है। तो देखिए चिनुक जो है ये फिर नीचे जाती है, नीचे जाती है तो ये बिल्कुल वार्म और ड्राई हो जाती है, और जो है आसपास का जो अमेरिका के अंदर आपको पता है कि काफ़ी जो है ठंड रहती है, तो उस ठंड को भी जो है एक तरह से काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड करती है चिनुक, ठीक है। तो ये बोलते हैं चिनुक इज ए हॉट विंड दैट ब्लो इन द विंटर देयरफॉर रेज द टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, देखिए ये टेम्परेचर को बढ़ा देती है, काफ़ी रिलीफ देती है ये। और ये बोलते हैं द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ स्नो, स्नो मेल्ट हो जाती है, इस वजह से जो पास्चर लैंड है, ठीक है, वो ग्रेजिंग के लिए अवेलेबल हो जाती है एनिमल्स के लिए। और चिनुक को इसलिए देखिए, इसलिए इसको आइस ईटर भी कहा जाता है, चिनुक को आइस ईटर भी कहा जाता है, क्योंकि एकदम गर्म होती है तो जो आपकी स्नो वगैरह होती है तो उसको जो पिघला देती है, इसलिए इसको आइस ईटर भी कहते हैं। लोकल विंड है, प्रेरीज में ये चलती है, ठीक है, याद रखिए चिनुक। क्वेश्चन नंबर 160 ये बोलते हैं मेजर क्रॉप ऑफ प्रेरीज इज मेज, जो है मक्का जो है मेजर क्रॉप है, मक्का आपको पता है कितना वहाँ पे इवन जो वहाँ के जो एनिमल्स वगैरह भी है उनको मक्का, गाय भैंस जो है उनको मक्का ही खिला दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है मक्का प्रेरीज मिलता है। सेकेंड बोलते हैं दीज एरिया आर नॉट सुटेबल फॉर कैटल रियरिंग, जो देखिए स्टेटमेंट जो टू है ये बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया कि जो है ये देखिए इस तरह की घास होगी तो ये जो है एनिमल्स के लिए भी अच्छी है, ठीक है, मक्का वगैरह मिलता है तो बहुत चीज़ है, तो इसलिए एनिमल रेयरिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, ठीक है। रेनफॉल जो है 50 सेंटीमीटर तक होती है, सोइल फर्टाइल है, मेजर क्रॉप प्रेरी जो मेज है, मक्का है, उसके अलावा पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन जो है, अल्फा अल्फा, ये इस तरह की जो है डिफरेंट क्रॉप्स भी मिलते हैं, और कैटल रियरिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, ठीक है। ये बोलते हैं रेनफॉल इज वेरी लिटिल और अनरिलायबल, ग्रास आर शॉर्ट एंड स्पार्स, दे आर सुटेबल फॉर कैटल रियरिंग, कैटल रियरिंग के लिए बहुत अच्छी ये जगह है। क्वेश्चन नंबर 161 है, बोलते हैं बिसन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ प्रेरीज। सेकंड कहते हैं कैटल्स आर रेयर्ड इन रांचीज इन देयर एरिया। रांचीज क्या होता है, देखिए रांचीज में क्या होता है कि जैसे दो चार लोग ही होते हैं, ठीक है, वो अपने घोड़े पे जो है चल के घोड़े पे जो है यूज करते हैं, और जो ये बफेलो काओ जो भी होगी ये जो है काफ़ी मात्रा में होती है। देखिए हमारे यहाँ इंडिया की तरह नहीं है कि एक घर में पांच लोग है, भैंस है एक ही, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है 20-20, 50-50 भैंस होती है, लोग कम है वहाँ पे, ठीक है, तो लोग जो है ये घोड़े का मदद करके ये और इनको चराने के लिए जो है ले जाते हैं, और फिर चारों तरफ से अगर इधर उधर घूमती है तो घोड़े की मदद से इनको बिल्कुल कंसनट्रेट करके रखते हैं एक ही एरिया में, तो वहाँ लोग कम है, ठीक है, और जो एनिमल्स है या फिर बोल सकते हैं कि जो गाय भैंस की पॉपुलेशन वो ज़्यादा है, तो रांचीज जो है ये प्रैक्टिस होती है वहाँ पे, ठीक है।
तो देखिए दोनों स्टेटमेंट इसके ठीक है। लार्ज कैटल फार्म्स रांचीज बोलते हैं, और लुक्ड आफ्टर बाय स्टर्डी मैन, ठीक है, जो बिल्कुल बॉडी वॉडी उनकी अच्छी होती है, इनको काउ बॉयज भी बोलते हैं। मूवीज में आप देखते होंगे काउ बॉयज के बारे में। इसके बाद तो बिसन, और जिसको अमेरिकन बफेलो भी बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है इस रीजन का। ये बोलते हैं इट नियरली गोट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, ठीक है, काफ़ी हंटिंग होती है यहाँ पे, और ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज भी जो इसको जो है घोषित कर दिया गया है, काफ़ी जो एक्सटिंक्ट हो गए, काफ़ी लोग इसको जो है मार गिराया है। और एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे, रैबिट, कोयोट्स, गोफर्स, प्रेरीज डॉग, ठीक है, प्रेरीज डॉग भी यहाँ पे मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 162, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ प्रेरीज ऑफ यूएसए। यूएस के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज है जहाँ पे प्रेरीज जो है आपको मिलती है, शिकागो, डेनवर, सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजलिस। देखिए सैन फ्रांसिस्को तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप मैप देखेंगे तो सपोज कीजिए ये मैप है आपका, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यहाँ इस एरिया में, जबकि प्रेरीज आपके इस एरिया में, ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है थर्ड तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है सैन फ्रांसिस्को। और थर्ड से जो आप दो स्टेटमेंट इसमें यानी कि गलत वो कर सकते हैं, दो स्टेटमेंट हटा सकते हैं, ठीक है। अब आइए आपकी जो है सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को भी जो है ये भी जो है आपको इस इधर ही मिलता है, सैन फ्रांसिस्को नहीं सॉरी लॉस एंजलिस, ये भी आपको वेस्टर्न साइड में मिलता है यूएस के, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसके अलावा जो ऑप्शन बचता है 1 एंड 2, तो दो तीन चीजें आपको पता है तो भी जो है कर सकते हैं। शिकागो आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है, डेनवर और मिनियापोलिस, इंडियापोलिस, कांसास, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज है यूएस के जो यहाँ पे जो प्रेरीज है वहाँ पे मिलते हैं। कैनेडियन प्रेरीज के बारे में पूछ रहे हैं, कौन कौन से जो सिटीज हैं वो यहाँ पे मिलेगी, वैनकूवर, एडमोंटन, मॉन्ट्रियल या कैलगेरी। तो ये तो आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है थोड़ा थोड़ा आइडिया हो तो जो है आप लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं जो कैनेडियन प्रेरीज मिलेगी, एडमोंटन, कैलगेरी, सस्काटोन या विनीपैग, ठीक है, विनीपैग तो जो है एक तरह से लेक भी है वहाँ पे। तो ये बोलते हैं वैनकूवर और मॉन्ट्रियल जो है लोकेटेड इन द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, ठीक है, और वाइल द कैनेडियन प्रेरीज लाइज इन बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो बिटवीन द रॉकी माउंटेन एंड ग्रेट लेक्स। तो वही बात है, जो रॉकीज माउंटेन इसके वेस्ट में पड़ता है और जो ग्रेट लेक्स मिलेगा वो ईस्ट ईस्ट में मिलेगा। ये बोलते हैं प्रेरीज आर नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड स्टेटमेंट है, साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन हैज मेड नॉर्थ अमेरिका ए सरप्लस ऑफ फूड फूड प्रोड्यूसर, ठीक है। देखिए प्रेरीज जो है इसको ग्रेनरीज ही बोला जाता है, वर्ल्ड वर्ल्ड की यहाँ ज्यादा काफी ग्रेन्स जो है पैदावार होती है, तो ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है प्रेरीज को। और साइंटिफिक मेथड तो यहाँ पे यूज होते ही है नॉर्थ अमेरिका में, तो इसलिए जो है सरप्लस फूड भी होता है। तो आंसर दोनों ही स्टेटमेंट जो है इसके ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 बोलते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेरीज। ये बोलते हैं डेरी बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू द पैसिफिक। ये स्टेटमेंट थोड़ा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। सेकंड बोलते हैं लार्ज मिनरल ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल एंड आयरन आर फाउंड। कोल और आयरन देखिए काफ़ी मिलता है, इस वजह से यहाँ जो एरिया है ग्रेट लेक्स का पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है, कोल मिल जाता है, आयरन जो है इस तरह की चीज़ें मिनरल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन हाउस है एक तरह से यूएस का। और ये देखिए डेरी बेल्ट जो है ग्रेट लेक्स से अटलांटिक ओशन, ये देखिए सपोज कीजिए यूएस है, यहाँ पे जो आपका प्रेरीज है, ठीक है, और प्रेरीज के आसपास ये डेरी बेल्ट है, और ये अटलांटिक है, अटलांटिक एक ये है, ठीक है। पैसिफिक तो यहाँ आ जाता है, यहाँ पर रॉकीज आ जाता है, यहाँ पैसिफिक आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, इसकी पैसिफिक नहीं अटलांटिक आना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 ही ठीक है। ये बोलते हैं अलोंग द एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री। उसके अलावा कहते हैं कि डेयरी बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम ग्रेटर ग्रेट लेक्स टू अटलांटिक, ये देखिए अटलांटिक कोस्ट तक है। डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग अप ऑफ फूड फूड प्रोसेसिंग, आपको इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग भी है, एग्रीकल्चर भी होता है, प्रेरीज है, ठीक है, और जो रांचिंग वांचिंग से जो है डेयरी फार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो कर गई है। कोयल यहाँ को अपलांचियन माउंटेन जो है वहाँ पे आपको कोल मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लार्ज मिनरल ऑफ डिपॉजिट कोल आयरन जो है वो भी मिल जाता है आसपास। ये बोलते हैं इन एडिशन गुड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे और कैनाल जो है बहुत अच्छे से डेवलप की गई है, इसलिए ये रीजन जो है बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 166 ये बोलते हैं वेल्ड, देखिए वेल्ड बोलूंगा मैं फिर बता रहा हूँ, फेल्ट इसको बोलते हैं, इज बाउंडेड बाय ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन इन द ईस्ट। सेकंड कहते हैं काराहारी डेजर्ट लाइज इन द वेस्ट ऑफ द वेल्ड्स, ठीक है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपका देखिए ये यहाँ पे आपको वेल्ड मिलेगी, ये वेल्ड वेल्ड जिसको फेल्ट बोलते हैं हम, ये इस एरिया में, ठीक है, और यहाँ थोड़ा ऊपर ऊपर भी होता है। तो ड्रैकनबर्ग्स माउंटेन कहाँ पे है, ये देखिए, ये
ये ड्रैकनबर्ग्स माउंटेन है यहाँ पे। तो ये बोलते हैं कि देखिए वेल्ड इज ए फ्लैट एरिया कवर्ड बाय ग्रास, एक तरह से माउंटेन ऐसे रोलिंग सा एरिया होता है, यानी कि बिल्कुल जो है फ्लैट नहीं होता, बट जो एरिया फ्लैट होता है वहाँ पे जो आपको घास दिखती है इसलिए टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये बोलते हैं वेल्ड इज नेम वॉज गिवन बाय डच सेटलर बिफोर साउथ अफ्रीका वॉज कॉलोनाइज बाय द ब्रिटिशर, बहुत पहले ही नाम दिया गया है। इट इज बाउंडेड बाय ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन इन द ईस्ट एंड कालाहारी इन द वेस्ट। देखिए कालाहारी तो आपको पता है यहाँ पे है, इस एरिया वेस्ट में है, और ये ड्रैकनबर्ग ईस्ट में है। ठीक है, तो ये आंसर इसके स्टेटमेंट दोनों ही ठीक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 167 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कवर्ड बाय वेल्ड या फेल्ट, साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड, लसोथो, केनिया। देखिए मैं मैप दिखा देता हूँ और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ये देखिए साउथ अफ्रीका में तो यहाँ है ही, ठीक है, तो और कौन कौन सी कंट्रीज है, तो ये थोड़ा थोड़ा वेल्ड जो है आपको ये यहाँ पे भी मिलेगी, नामीबिया के अंदर भी, बोस्टवाना, जिम्बाब्वे, ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका तो है ही, साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री अंदर से जो है अंदर ही है साउथ अफ्रीका, तो नाम है उसका लेसोथो, और यहाँ पे है स्वाजीलैंड, ये भी जो है बिल्कुल लैंडलॉक कंट्री है, और ये साउथ अफ्रीका जो है यहाँ टच करता है इसको, ठीक है, और यहाँ पे जो है मोजाम्बिक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप याद कर सके। तो छह कंट्रीज है मेजर जहाँ पे वेल्ड या जिसको फेल्ट बोलते हैं वो मिलेगी, साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड, लेसोथो, ये तो एक ही जगह हो गया, जिम्बाब्वे, बोस्टवाना या नामीबिया। ठीक है, कंट्रीज को याद होनी चाहिए, लोकेशन से आपको थोड़ा इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 168 है, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्ड, कहाँ कहाँ पे मिलेगी। ये बोलते हैं साउदर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू हाई वेल्ड इज लोकेटेड आर लोकेटेड ओनली द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ऑरेंज ड्रेन इन द रीजन। ओनली जहाँ पे आए देखिए उसको जो है समझ के जो है क्वेश्चन की यूज कीजिए, यूपीएससी बहुत यूज करती है ऐसे। तो देखिए सेकेंड स्टेटमेंट तो इसकी गलत है, क्योंकि देखिए जो रिवर्स दो मिलेगी यहाँ पे, ऑरेंज और लिम्पोपो, ये मैंने आपको पढ़ाया जब मैपिंग कराई है मैंने अफ्रीका की, तो वहाँ पे दोनों रिवर है, ओनली जहाँ पे आ जाते हैं तो गलत हो जाता है। और ये बोलते हैं वेल्ड जो है दो पार्ट में डिवाइड है, हाई वेल्ड और लो वेल्ड, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू इज हाई वेल्ड। ठीक है, कैसे आपको समझना आए तो समझ, ऐसे देखिए आप ये प्लेटू है, सपोज कीजिए ये पूरा प्लेटू है, ठीक है, तो ये एरिया होगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो इस एरिया में जो है आपको हाई वेल्ड मिलती है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं ओनली द साउदर्न ऑन द साउदर्न पार्ट ऑफ प्लेटू, साउदर्न में नहीं है ये, एक्चुअली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169 ये बोलते हैं वेल्ड हैव माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरिंग डेजर्ट्स, सेकेंड है इट रिसीव्स रेनफॉल मेनली इन नवंबर टू फरवरी। तो वेल्ड बोलते हैं माइल्ड क्लाइमेट होता है यहाँ ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरिंग डेजर्ट। ठीक है, और वेल्ड देखिए वैसे टेम्परेट है, टेम्परेट का मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है माइल्ड ही हो, यानी कि बिल्कुल जो है टेम्परेट जो है बिल्कुल बीच का टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो लेकिन ये बोल रहे हैं कि देखिए बोलते हैं कि वेल्ड हैव माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशियन की वजह से, क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पे मैं वेल्ड दिखाता हूँ, ये देखिए वेल्ड यहाँ पे है, तो ये जो इंडियन ओशियन है इसकी वजह से जो है टेम्परेचर जो है यहाँ सुटेबल है, क्योंकि डेजर्ट नहीं, डेजर्ट तो देखिए यहाँ पे है कालाहारी डेजर्ट और ऊपर आपको सहारा डेजर्ट मिलेगा, तो वो तो बहुत दूर है बहुत ऊपर जाके, तो इसकी इन्फ्लुएंस नहीं है, एक्चुअली इंडियन ओशियन की इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट वन गलत हो जाती है। बोलते विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई, जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ। ठीक है, समर जो होती है बहुत शॉर्ट और वार्म होती है, और देखिए ये जो अगर टेम्परेचर वाला और ये जो है आपको पूरा क्लाइमेटिक रीजन के बारे में जानना है तो आप जो है एक बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी लोग जो है उसको पढ़ते हैं, राइट, बुक का नाम है जी सी लियोंग। ठीक है, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, जी सी लियोंग करके किताब है, बहुत अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं, शायद हिंदी में नहीं आती, इंग्लिश में ही आती है। ठीक है, तो ये पढ़ सकते हैं इसे, टेम्परेचर वाले जो 10 चैप्टर है लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट, उससे आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ज्योग्राफी की जो आपकी प्रॉब्लम्स है वही सॉल्व हो जाएगी। और ये बोलते हैं दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ वार्म करंट दैट वॉशिज द शोर ऑफ वेल्ड। ठीक है, वार्म करंट होता है तो जो इस वजह से जो टेम्परेचर इन्फ्लुएंस इसका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 170 है, देखिए बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ वेल्ड, इस एरिया में जो रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, शिप रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर। ठीक है, चार स्टेटमेंट दी हुई है, तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इसके ठीक नहीं है। ये बोलते हैं सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल, सॉइल फर्टाइल नहीं है इस एरिया की, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस ग्रास एक्सपोज बैरन सरफेस, बैरन सरफेस बहुत ज़्यादा हो गया है, जो जो सॉइल है फर्टाइल नहीं है। ये बोलते हैं देयर फॉर पीपल नॉट मेनली ऑक्यूपाइड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो इस एरिया में नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा जो है इंडिया की तरह नहीं है, जैसे हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे फर्टाइल एलिवेल जो आपको जो है सॉइल मिलेगी, शिप रेयरिंग होती है यहाँ, ठीक है, डेयरी फार्मिंग भी होती है। उसके बाद ये बोलते हैं वेल्ड रिच रिजर्व में जो है मिनरल्स बहुत मिलता है, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है वहाँ पे जो मिनरल्स बहुत मिलेंगे, तो माइनिंग भी यहाँ मेजर ऑक्यूपेशन है लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 171 बोलते हैं इन वेल्ड शिप्स आर
ब्रीड मेनली फॉर वुल, वुल के लिए जो इसको ब्रीडिंग की जाती है ऐसा बोलते हैं। सेकेंड बोलते हैं मेरीनो इज द पॉपुलर स्पीसीज ऑफ द शिप, ठीक है, कहाँ पे, वेल्ड एरिया में, जो मैंने दिखाया साउथ अफ्रीका और ये वाला एरिया, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। बोलते हैं शिप रेयरिंग, जो मैंने शिप रेयरिंग जो है मेजर जो है इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का। और ये बोलते हैं शिप्स मेनली ब्रीड हेयर फॉर वुल, ठीक है, वुल के लिए ही करते हैं और वुल इंडस्ट्री इसलिए यहाँ पे काफ़ी ग्रो कर गई है। उसके बाद ये कि एक शिप का नाम है मेरीनो शिप, ठीक है, ये पॉपुलर स्पीसीज है यहाँ पे। और ये बोलते हैं कि देयर वुल आर वेरी वार्म, ठीक है, वार्म जो है काफ़ी वार्म रहता है इनका वुल। क्वेश्चन नंबर 172 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर मेन क्रॉप, ठीक है, ग्रोन इन इस एरिया में। देखिए वेल्ड पे हमने कितना पढ़ लिया, प्रेरीज पे हमने कितना पढ़ लिया, तो आप जो है क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चार क्रॉप्स दी हुई है, पोटैटो, ओट्स, टोबैको या कॉटन, तो चार मेजर जो है क्रॉप्स दी हुई है, ये कौन कौन सी वेल्ड में पाई जाती है, तो और उसके अलावा कौन कौन सी है, देखिए पोटैटो, ओट्स, मेज, वीट, बार्ले, टोबैको, कॉटन, शुगर केन, ठीक है। और टोबैको, कॉटन और शुगर केन जो है कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप आप समझते ही हैं जो है, जो मोस्टली जो है बेचने के काम आती है और जिससे पैसा अर्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 173 बोलते हैं जोहानिसबर्ग इज नोन एज गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड है किम्बरले इज फेमस फॉर डायमंड। देखिए किम्बरले का तो जो है डायमंड आपको वैसे भी आप थोड़ा सा नॉलेज होगी तो आप पता कर सकते हैं, बहुत बोला भी जाता है और बहुत जो है आप नॉर्मल यूज में भी देखने को मिलता है, ठीक है, कि किम्बरले डायमंड, किम्बरले, तो इसलिए बोल सकते हैं इसको। तो बोलते हैं जो वेल्ड एरिया है ये रिजर्व एरिया, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ मिनरल्स मिलते हैं, आयरन, स्टील इंडस्ट्री डेवलप कर गई है क्योंकि कोल की माइंस यहाँ पे है। और ये बोलते हैं गोल्ड एंड माइनिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द रीजन, ठीक है, गोल्ड माइनिंग भी होती है इवन यहाँ पे, और माइनिंग ऑफ डायमंड्स भी यहाँ पे होती है, ठीक है। एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड टाइज विद ब्रिटेन, ग्रेजुअली साउथ अफ्रीका बिकम एक ब्रिटिश कॉलोनी। पहले के टाइम यहाँ पे देखिए डायमंड्स मिलते थे, गोल्ड तो मिलता ही था, इस वजह से जो है ब्रिटेन के लोग यहाँ पे आके बसने लगे और ब्रिटिश ये कॉलोनी बन गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174 है, ये बोलते हैं कुडू इज एन एनिमल फाउंड इन वेल्ड। सेकेंड है इन द हाई वेल्ड असेसिया, ठीक है, असेसिया एंड मरोला आर सीन बी ग्रोइंग, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा टफ है, अगर आपको नहीं पता ये चीज़ें तो इसको जो है थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं कि मेजर जो एनिमल्स है यहाँ पे देखिए पाए जाएंगे लायन, लेपर्ड, चेता या कुडू। और वेजिटेशन ये बोलते हैं स्पार्स वेजिटेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं मिलेगी, ग्रास मोस्टली डोमिनेट करती है, बताई दिया हमने। और ये बोलते हैं इन हाई वेल्ड असेसिया एंड मेरोला आर सीन टू बी ग्रोइंग, तो ये जो है अलग अलग नाम दिए हुए हैं ग्रासलैंड्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेजर्ट। ये बोलते हैं इन इट इज एन एरिड रीजन। सेकेंड है बोलते हैं डेजर्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं, एरिड रीजन होता है। सेकेंड है कहते हैं इट कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीम हाई और लो टेम्परेचर। सेकंड थर्ड है वेजिटेशन कवर इज वेरी स्कैंटी हेयर, तो देखिए स्टेटमेंट जो बिल्कुल थर्ड बिल्कुल सही है, स्कैंटी रेनफो, स्कैंटी बहुत कम जो है वेजिटेशन मिलेगी आपको, स्पार्स जो है बिल्कुल बोल सकते हैं। टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो सकता है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है। देखिए जो आपका जो आपके बोल सकते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, ठीक है, या जो ट्रॉपिक एरियम जैसे हमारा ये सहारा हो गया, हमारा थार डेजर्ट हो गया, ये सब जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, जैसे कश्मीर में आपको मिलेगा या फिर आपको मंगोलिया वगैरह में कोल्ड डेजर्ट मिलेंगे, तो जो है अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 ठीक है, और स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरिड टेम्परेचर बिल्कुल हार्श टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे जो है वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाती, रेनफॉल होती नहीं है, स्कैंटी वेजिटेशन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ठीक है। तो और जो भी बोलते हैं कि डेजर्ट दोनों तरह के हो सकते हैं, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, पता होना चाहिए इसके बारे में आपको, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर इंस्पिरेशनल वीडियो के अंदर, उसके साथ साथ जो है राज्यसभा का डिबेट भी आज हम डिस्कस करेंगे और एक जो है कोशिश करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो है लेक्चर आज प्रिपेयर किया जाए, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।